अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल मटन कलेजी तवा फ्राई। बहुत ही डिलीशियस बनता है, एक बार बनाएंगे तो बार बार ये तरीका अपनाएंगे। तो चलिए बिना देर के हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो आप एंड तक देखिए। सबसे पहले तो हम कलेजी को अच्छी तरह से धो लेंगे। हम जो है जब भी मार्केट से कलेजी लाते हैं तो उसमें विनेगर डालकर तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद जो है 5 से 6 बार अच्छी तरह से हम धो लेंगे, छन्नी में रखेंगे ताकि उसका पूरा पानी स्टेन हो जाए। विनेगर डालकर धोने से उसका कलर काला भी नहीं होता है और ना ही स्मेल आती है। चलिए यहाँ पर जो है हम स्ट्रीट स्टाइल बता रहे हैं तवा फ्राई, उसके लिए हम एक बड़ा सा तवा ले लेते हैं। गैस ऑन करेंगे, तवे के ऊपर ऑयल डाल देते हैं और ऑयल को हम इस तरह से फैला लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन। तो 1 टीस्पून अदरक ले लेंगे, 1 टीस्पून लहसुन ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। हमने इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का क्यूब भी ऐड कर लिया है। यहाँ पर जो है अब हम इसमें डाल देते हैं ये कलेजी। हाई फ्लेम पर कलेजी को हम 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ध्यान रखिए इस स्टेप पे हमें जो है गैस की फ्लेम को लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पर ही हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। अगर गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं ना तो इसमें से काफ़ी मॉइस्चर निकलता है और भुनाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हमने कलेजी की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो इस स्टेप पे जो है अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और पूरे कलेजी को हम साइड में कर लेंगे। यहाँ पर हमने 4 बड़े साइज के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को हम चॉपर में चॉप कर लेते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसका प्यूरी भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रीट स्टाइल बता रहे हैं इसलिए सारी चीज़ें हम वैसे ही फॉलो करेंगे। इस तरह से हम चॉपर यूज करते हैं ना तो हमारी जो कुकिंग होती है थोड़ी इजी हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने लो फ्लेम कर दिया था, इसमें से मॉइस्चर भी रिलीज होने लगा है और अच्छी तरह से भुनाई भी हो चुकी है। अगर आप बिना मसालों के ये कलेजी खाना चाहते हो ना तो इस स्टेप पर भी सर्व कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर जो है कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाना होगा। तो सिर्फ नमक और अदरक लहसुन के साथ भी लोग इसे भूनकर खाते हैं और काफ़ी टेस्टी लगता है। अगर आपको मसाले टाइप ये कलेजी चाहिए तो चलिए आगे देखते हैं। तो कलेजी को हम यहाँ पर साइड कर देते हैं। इसी में हम ऑयल ऐड करेंगे 3 से 4 टीस्पून के करीब। यहाँ पर देखिए कलेजी सॉफ्ट भी हो चुका है भुनाई करते समय ही। तो इसी स्टेप पे भी आप इसे खा सकते हैं, आप अदरक लहसुन के साथ इसे भून करके, और नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। तो नमक और अदरक लहसुन के साथ भुनाई करके आप इसे सर्व करें। बारीक चपके धनिया की पत्ती डाल दें, बेहद टेस्टी लगेगा। यहाँ पर हम फ्राई बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें मसाले ऐड करेंगे। 3 टीस्पून ऑयल डालने के बाद हमने इसमें ग्रेट किया हुआ टमाटर ऐड कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून डाल देते हैं हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं जीरा पाउडर और 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर जो है मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि हम इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे। सभी मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। एक बार आप ये मेरे तरीके से मटन तवा कलेजी बनाकर देखें, बेहद सबको पसंद आएगा। यकीन माने इतना लजीज बनता है, इसकी तारीफ जितनी करें उतना ही कम है। और इसे बनाने में हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, बहुत ही झटपट से बन जाता है। इसी में हम 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें पहले नमक नहीं ऐड किया है। अगर आपको बिना मसालों का ये कलेजी बनाना है तो नमक आप पहले डाल सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, सिर्फ अदरक लहसुन और नमक डालकर भी आप इसे भून कर खा सकते हैं। तो यहाँ पर जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाए ना तो ये हम भुनी हुई कलेजी इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से मसाला भी भुन जाता है और ये कलेजी हम इसमें मिक्स भी कर लेते हैं। वैसे कुछ लोग का ये शिकायत होता है कि हमारे पास बड़ा सा तवा ना हो तो फिर क्या करें। आप इसे जो है लोखन की कढ़ाई में भी बना सकते हैं
और जिस तरह से पहले हमने कलेजी भुना है उस तरह से आप छोटे तवे पर भी कलेजी को भूनकर साइड कर लीजिए। फिर ये मसाला भूनकर आप वो कलेजी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से बारी बारी भी आप इसे छोटे तवे पर भी बना सकते हैं जिस पे आप रोटी बनाते हों। और अगर ये दोनों आपको हार्ड लगता है ना तो आप नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं, टेस्ट तो वैसे ही आएगा क्योंकि हम वही मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये लुक दिख रहा है ना, यहाँ पर ही आपको खाने को दिल ललचाने लगेगा। चलिए इसे हम कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा हम पानी इसमें डालेंगे ताकि ये जले ना। तो लो फ्लेम पर हमने इसे 5 मिनट के लिए कवर किया था। अब यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को एक बार और हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून होममेड गरम मसाला, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड की है हमारे चैनल पर। इसी में हम 1/2 टीस्पून डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। अगर आपको तीखा कम पसंद हो तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं। तमाम मसालों को एक बार और हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बारीक चौके हुआ धनिया की पत्ती डाल देते हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल है स्ट्रीट स्टाइल ये तवा कलेजी बनाना, और कितना ये मसालों में लिपटा हुआ है आप देख सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम ध्यान रखते हुए हम कुकिंग करते हैं ना, तो हमारी जो डिशेज बनती हैं बेहद लजीज बनती है और घर में सभी को पसंद आता है। काफ़ी लोग तारीफ़ करते हैं, और अगर आप कुछ बनाएं सब लोग तारीफ़ करें तो और भी ज़्यादा दिल खुश होता है, और भी अच्छी चीज़ बनाने का दिल करता है, कुछ नया करने का दिल करता है। तो आप लोग भी इस तरह से छोटी छोटी रेसिपी ट्राई करें, फैमिली के साथ इंजॉय करें, हमें भी दुआ में याद रखें। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप लोग इसे ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।